आइए दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि हमारा ये YouTube चैनल और आजकल काफ़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, यानी फेसबुकिया प्यार। और हम जिस दोस्तों बात कर रहे हैं उस फेसबुकिया प्यार यानी शिवम और पिंकी की लव स्टोरी, यानी हमारा दूसरा ये टॉपिक आप लोगों के बीच में फिर दूसरा बार आनी चैनल पे उनकी उन लोगों के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। और उसी हम गाँव में आ चुके हैं जहाँ का वो लड़का है शिवम। अभी उसके घर के तरफ गए थे लेकिन उसके घर वाले यानी बात करने कर नहीं रहे थे ना, हमसे किए बोले कि हम बात नहीं करना चाहते, उसके बारे में कुछ नहीं बात करना चाहते हैं। लेकिन उसी गांव के बगल में एक यानी लड़का मिला है, उस लड़के से मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा। तो ये आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी सर, हम इसी गांव के हैं। इसी गांव के रहने वाले हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि यहां का एक लड़का है नाम यानी शिवम कुमार को जानते हैं, जो राजकुमार? जी सर, शिवम कुमार को तो मेरे घर के बगल में ही है सर। घर के बगल में है? जी सर। तो वो लड़का यानी शिवम कुमार घर के आपके बगल में है? जी सर, बगल में। किसी पिंकी नामक नाम के, जैसे शिवम और पिंकी एक अभी वो लोग शादी किए हैं, यानी कोर्ट मैरिज, जो कोर्ट मैरिज किए हैं, जाके मंदिर में भी शादी किए हैं। तो क्या वो लड़की एक विकलांग है और इतना अच्छा हैंडसम लड़का है, इतना बढ़िया लड़का है, तो ये कैसा फेसबुकिया प्यार है कि वो कोई सीधा साधा इंसान से नहीं मोहब्बत कर बैठा, क्या बात है? जी सर, ये तो मैं इतना कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जाना हूँ कि कोई लड़की है विकलांग, उसे शादी किया है सर। अच्छा अच्छा, लेकिन वो तो इतना अच्छा लड़का है, उसका तो हाथ पैर सब सही है, क्या कहीं पैसे के लालच में तो ऐसा काम नहीं किया है ना कि मोहब्बत कर बैठा है जाके, कि कहीं उसके पास ये लड़की वाले कहीं पैसे वाले तो नहीं है ना सर? वो तो खुद जो है कि भिखमंगी है। अच्छा अच्छा, भिखमंगे टाइप का खुद वो लोग हैं। जी, तो इसको इसको क्या समझ में आया कि ऐसी लड़की से जाके मोहब्बत कर बैठा और अपने बिना माँ बाप को बताए, घर से कोई नहीं जानता है, ना इसके चाचा ना मम्मी पापा, भी मैंने बात किया, वो लोग बात नहीं करना चाहते थे, किसी से नहीं बताया और जाके उस लड़की से शादी कर लिया, अपना जीवन साथी बना लिया, तो इसके पीछे क्या राज है, कुछ आप लोगों को पता है? सर देखिए, अब इतना कुछ तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन अब उसके माँ बाप भी शादी से खुश नहीं है। खुश नहीं है जी सर, तो अब पता नहीं हुई, हम लोग भी सोच रहे हैं कि इतना सारा सीधा सा लड़का है और कैसे उस विकलांग लड़की से शादी कर लिया। अब सर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। देखिए ना कहीं कुछ तो ऐसी जरूर कुछ कोई तो राज होगा ही होगा। और अगर सवाल की एक बात और कहना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले यानी वहाँ लड़की के घर गया था और वहीं पे रहता भी था और फिर उसको छोड़ के यानी चला आया है, तो लड़की तमाम तरह की बयानबाजी कर रही है कि हमसे शादी किया, हमसे कोर्ट मैरिज भी किया है, मंदिर में शादी किया, सब मेरे पास प्रूफ है और वो हमको छोड़ के चला गया, तो ये कहाँ तक सच्चाई है अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग गांव के हैं, क्या वो शिवम कभी फिर जेल भी गया है क्या पहले? हाँ सर, एक बार जेल गया है और उस लड़की का भी बोलचाल अच्छा नहीं है सर। अच्छा अच्छा, लड़की भी मैं सुना हूँ कि देखिए एक तो टेढ़ी है, पहला नंबर पैसे विकलांग है, और चूंकि शादी तो की है लेकिन उसे बहुत अटप पटक टाइप का, जिस तरह बातें किया जाता है एक इंसान के साथ उस तरह की बातें नहीं करी है, उल्टा सीधा उसे संबोधित करना, यानी अपने बातों द्वारा मतलब किसी प्रकार का नहीं, जो इंसान हमें पति पत्नी जब भाई एक हो जाते हैं तो उसे अच्छा से बुलाते हैं। अभी नई नई शादी की, एक तो खुद वो विकलांग है और उसे इतनी उल्टी सीधी तरह की बातें कर रही है उसे कि मतलब बुलाना हो तो मतलब अजीबो तरीके का, कि मैं वहाँ पे एक बार देखा गया था, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि अब कहाँ से ये गड़बड़िया है कि ऐसा लड़का उसके जाल में फंस गया। सर अब देखिए, फेसबुक वगैरह की तरह से उसका प्यार है, अब माँ बाप एक्सेप्ट नहीं किए, अब वो मैं सुना था, इतना कुछ पता नहीं, लेकिन कोर्ट मैरिज से उसका शादी हुआ था और लड़की विकलांग है, कोई अच्छे घर से भी बिलोंग नहीं करती है, और जो है कि अब पता नहीं सर, देखिए अब प्यार मोहब्बत की बात है, अब कैसे वो लड़का जो है कि उस लड़की से, एक तो विकलांग भी है और शादी कर बैठा, कोर्ट मैरिज भी कर बैठा। तो आइए आप लोग को हम दिखा रहे थे ये पिंकी और शिवम की लव स्टोरी, जो अपने क्राइम और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को हमेशा हम दिखाने का कार्य करते हैं। और ये एक कहानी, ऐसी कहानी है कि जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी एक सीधा लड़का कोई नहीं कह सकता है कि यानी एक विकलांग लड़की से मतलब ऐसी लव मैरिज में शादी कर सकता है, लेकिन ना जाने अब क्या इसके पीछे राज है और क्या नहीं राज है, अब ये तो यानी अब उसे ही पता होगा। अब चूँकि फिर उसके घर वाले से बात करने की हम कोशिश करेंगे और बात करके बहुत जल्द पर्दाफाश होगा। और इस समय तो लड़का यानी छोड़ के चला गया है, क्योंकि लड़की का बार बार बयानबाजी आ रही है कि मतलब यही बाजी आ रही है बयानबाजी कि वो मुझसे शादी किया मेरे धन दौलत पैसे के लिए और मुझे छोड़ के चला गया। तो आइए मिलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो को दिखा के आपको सभी को पर्दाफाश करेंगे।